पुष्पा मूवी में दिखाया गया लाल चंदन, उसकी तस्करी और तमिलनाडु के जंगलों को देखकर आपको ऐसा तो लगा होगा कि आप ये सब पहले देख चुके हैं। अगर हाँ तो आपको सही लग रहा है, क्योंकि यह पूरी फिल्म एक ऐसे डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटका के जंगलों पर राज किया था। जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म पुष्पा आज सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब तक इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। लेकिन दोस्तों, जिस वीरप्पन से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है, उसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटका के जंगलों पर राज किया था। इसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बकाया सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे और कहा जाता है कि यह इतना खुकार डाकू था कि इसने कन्नड़ा के सुपरस्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। आखिर क्या थी इसकी कहानी, आइए जानते हैं। 18 अक्टूबर 2006, देश के सभी मीडिया चैनल्स पे एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा डाकू जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था, जिसने पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए थे। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए थे, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन नहीं पकड़ा जा सका। लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर वीरप्पन का इनकाउंटर कैसे हो सकता है। इस अफवाह पर किसी को यकीन नहीं था, लेकिन वीरप्पन की सच्चाई यही थी कि वो इनकाउंटर में मारा जा चुका था। चंबल से लेकर दक्षिण भारत तक भारत में बड़े बड़े डाकुओं का राज रहा था, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन को आखिर कौन नहीं जानता। लंबे समय तक इसने जंगलों पर राज किया और कहा जाता है कि जंगल उसके घर हुआ करते थे। जंगल का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसके बारे में वीरप्पन नहीं जानता था। काफी लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने कर्नाटका और तमिलनाडु की पुलिस को चकमा दिया। हालांकि वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना इतना आसान नहीं था। एक लंबी प्लानिंग के बाद वीरप्पन को पकड़ा जा सका, लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक भी मौका नहीं गंवाया। मौका पाते ही इस पर 338 राउंड की फायरिंग की गई, तब जाकर कहीं वीरप्पन को पकड़ा जा सका। वीरप्पन के डाकू बनने की कहानी तो वैसे 1962 में ही शुरू हो गई थी, जब ये महज 10 साल का हुआ करता था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल कर दिया था और उसी वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 ऑफिसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक वीरप्पन एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था और उस वक्त फॉरेस्ट विभाग के अफसरों ने ही इसे उकसाया था। लेकिन जब वीरप्पन स्मगलिंग से अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था, तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद ये अपनी जान बचाने के चक्कर में जंगल में भाग गया और इसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। जंगलों में रहते रहते महज 17 वर्ष की उम्र में इसने पहली बार किसी हाथी को मारा था और इसके बाद जंगल में यह अलग अलग जगह रहकर इसने करीब 2000 हाथियों को मार गिराया। कहा जाता है कि यह हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था। हाथियों को मार के उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। और इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटका के जंगलों में पाए जाने वाली सबसे कीमती लाल चंदन के पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ियों की स्मगलिंग किया करता था। जब कभी भी कर्नाटका की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी, तो ये भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते थे, और बिल्कुल इसी तरह ये तमिलनाडु पुलिस के साथ भी किया करता था। लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने यह काम किया था, लेकिन इसी बीच कोई इसके खिलाफ जाता तो ये उसे मौत की नींद सुला देता था। अब तक इसने करीब 169 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पैसों के लिए बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण करता और उनके परिवार वालों से फिरौती की मोटी रकम मांगा करता था। इस सब के अलावा कहा जाता है कि वीरप्पन को नाम कमाने का बहुत शौक था। वह चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने, और इसीलिए उसने एक बार रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को किडनैप करने का प्लान बनाया, लेकिन वो इस प्लान में कामयाब नहीं हो सका।
लेकिन 1997 में इसी जंगल में एक इंसान को आंख और कान पर पट्टी बांधकर लाया गया, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार राजकुमार थे, जो कि कन्नड़ा फिल्मों के जाने माने स्टार हुआ करते थे। जैसे ही यह खबर टीवी चैनल्स को लगी कि सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण वीरप्पन द्वारा कर लिया गया है, तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया। लोग अब वीरप्पन का नाम जानने लगे थे और वीरप्पन की दहशत फैलती जा रही थी। वीरप्पन ने सुपरस्टार राजकुमार को छोड़ने की एवज में 50 करोड़ रुपए की मांग की। उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई और लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन वीरप्पन को किसी के हाथ नहीं आना था, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उस जंगल को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहीं पर नहीं रुका। सन 2002 में उसने कर्नाटका के ही मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने पर वीरप्पन ने उन्हें मार दिया। इस समय तक वीरप्पन की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सरकार उसे पकड़ने के लिए अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। आखिरकार सरकार ने उसे पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद साल 2002 में विजय कुमार को एसटीएफ का इंचार्ज बनाया गया। विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाने के पीछे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का हाथ था। जैसे ही विजय कुमार एसटीएफ की कमान संभालते हैं, उन्होंने वीरप्पन की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन विजय कुमार भी जान चुके थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है, उसे पकड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लान की जरूरत होगी। इसके लिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमियों को घुसाने की कोशिश की और वो इस सब में कामयाब हो गए। उनके बहुत सारे आदमी वीरप्पन की गैंग में शामिल हो चुके थे, लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि पत्तों की चरमराहट से जानवरों को पहचानने वाला वीरप्पन यह नहीं पकड़ पाया कि विजय के आदमी उसकी गैंग में घुस चुके हैं। वक्त बदलता जा रहा था और वीरप्पन की गैंग से आदमी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, और इसी बीच विजय कुमार को पता चला कि वीरप्पन अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरा का सहारा लेता है। वीरप्पन अपनी वीडियो शूट करवाता था और उसके जरिए जिसको जो मैसेज पहुंचाना होता था वो उसी वीडियो के जरिए पहुंचाता था। इसी बीच विजय कुमार के हाथ वीरप्पन का एक वीडियो लगा, और जब विजय कुमार ने इस वीडियो को गौर से देखा तो उन्हें समझ आ गया कि वीरप्पन की एक आंख में दिक्कत है, और हो सकता है कि वो अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जल्द ही कुछ ना कुछ करने वाला है। और बात बिल्कुल सही निकली। वीरप्पन अपनी एक आंख को लेकर बेहद परेशान था। विजय कुमार के जो लोग वीरप्पन की गैंग में शामिल थे, उन्होंने वीरप्पन को उकसाया कि अगर वो समय रहते इसका इलाज नहीं करवाएगा तो आंख खराब भी हो सकती है। आखिरकार वो दिन आ चुका था जब एसटीएफ का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी प्लानिंग हो चुकी थी। वीरप्पन के गैंग में शामिल हुए विजय कुमार के लोगों ने वीरप्पन से कहा कि सड़क किनारे एक एम्बुलेंस आएगी जो कि उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन असल में कोई एम्बुलेंस नहीं थी बल्कि पुलिस की गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर और वार्ड बॉय विजय कुमार के आदमी थे। जब वीरप्पन जंगल से बाहर निकला तो उसे मीरापट्टी गांव में वही एम्बुलेंस मिली। वीरप्पन और उसके आदमी उसमें बैठ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया और ड्राइवर और वार्ड बॉय गाड़ी से निकलकर भाग गए। जहां पर एम्बुलेंस को रोका गया था वहां ढेर सारे पुलिस वाले छुपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और करीब 338 राउंड फायर किए गए, लेकिन 338 राउंड में से वीरप्पन को महज 2 गोलियां लगी। वीरप्पन के इनकाउंटर की बात जैसे ही लोगों में फैली तो लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इनकाउंटर की बात सुनकर हर कोई हैरान था। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पुलिस ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन मौका मिलते ही वीरप्पन ने पुलिस पर गोलियां चला दी और जवाबी कार्रवाई में वीरप्पन मारा गया। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ऑफिसर विजय कुमार ने वीरप्पन पर एक किताब लिखी जिसका नाम था वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड, और इस किताब के जरिए विजय कुमार ने बताया कि किस तरह उन्होंने वीरप्पन को पकड़ा।
तो दोस्तों ये था दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन, और आज इसी की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी बनाई गई है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों और देखना चाहते हैं ऐसी और वीडियोस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।